शहर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में राज्यपाल सीबी आनंद बोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज, और ये एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है जो राज्य भवन में काम करती थी अस्थायी रूप से अस्थायी कर्मी के तौर पर। इस महिला का कहना है कि उसने 1 जून 2019 में काम ज्वाइन किया था और राजभवन में काम करती थी, मगर 24/4/2024 को उसके साथ अश्लीलता हुई जो कि सीबी आनंद बोस के जरिया की गई। इससे वो काफ़ी परेशान थी और फिर आज यानी कि 2/5/2024 को उसके साथ फिर ऐसा घटना घटा। इस बात पे उसने जाकर एफआईआर दर्ज कराई शहर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में। इस मामले ने राजनीतिक हलचल पैदा की कर दी है। वहीं तृणमूल के कई बड़े वजीरों का कहना है कि राज्यपाल ने अपने पद की गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने इस पद को घिनौना कर दिया, इस पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह का काम शोभा नहीं देता, उसे उनका जवाब देना होगा। इस प्रतिक्रिया के ऊपर अभी तक राज्यपाल का कोई बयान सामने नहीं आया है, मगर इसका असर ट्विटर पे देखने को मिल रहा है। ट्विटर पे कई किस्म के अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रहे हैं जिसमें तृणमूल कार्यकर्ताओं के जरिया ममता बनर्जी फैंस क्लब नामी एक ट्विटर से पोस्ट किया गया ये तस्वीर जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। देख सकते हैं कि इस तस्वीर में किस तरह से जो है ये साफ साफ लिखा हुआ है, और इस महिला की तस्वीर को हम धुंधली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये एक सिक्योरिटी का मामला है, मगर इस मामले ने पूरी एक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। वहीं कल जो है इस मामले को लेकर और भी कई राजनीतिक रंग देखने को मिल सकते हैं। आइए देखते हैं पूरी खबर, जैसे ही कोई बड़ी खबर सामने आती है न्यूज़लाइन कोलकाता आपको जरूर दिखाएगा, देखते रहिए न्यूज़लाइन कोलकाता। शहर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में राज्यपाल सीबी आनंद बोस के खिलाफ एफआईआर दर्ज, और ये एफआईआर एक महिला ने दर्ज कराई है जो राज्य भवन में काम करती थी अस्थायी रूप से अस्थायी कर्मी के तौर पर। इस महिला का कहना है कि उसने 1 जून 2019 में काम ज्वाइन किया था और राजभवन में काम करती थी, मगर 24/4/2024 को उसके साथ अश्लीलता हुई जो कि सीबी आनंद बोस के जरिया की गई। इससे वो काफ़ी परेशान थी और फिर आज यानी कि 2/5/2024 को उसके साथ फिर ऐसा घटना घटा। इस बात पे उसने जाकर एफआईआर दर्ज कराई शहर कोलकाता के हेयर स्ट्रीट थाने में। इस मामले ने राजनीतिक हलचल पैदा की कर दी है। वहीं तृणमूल के कई बड़े वजीरों का कहना है कि राज्यपाल ने अपने पद की गलत इस्तेमाल किया है, उन्होंने इस पद को घिनौना कर दिया, इस पद पर रहते हुए उन्हें इस तरह का काम शोभा नहीं देता, उसे उनका जवाब देना होगा। इस प्रतिक्रिया के ऊपर अभी तक राज्यपाल का कोई